अमेज़ॉन पर हमने ढूंढा 500 रुपये के अंदर के माउस को। जो भी माउस हमको मिले हमने उन्हें ऑर्डर किया और आपके लिए लेकर आए एक बेहतरीन वीडियो जिसका टाइटल है बेस्ट गेमिंग माउस अंडर 500 रुपीज़। इस लिस्ट में हमारा सबसे पहला माउस आता है रेड गियर की तरफ से, मॉडल नंबर है A15। कुछ यहाँ पर आपको एक न्यू लुक देखने मिलता है माउस में, हालांकि फुल साइज में आपको यह माउस मिल जाता है जहाँ पर आपको टोटल 7 बटन्स मिलती हैं। गेमिंग ग्रेड का सेंसर है क्विक मूवमेंट्स के लिए, जो कि गेमर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 6400 DPI है और यहाँ पर आपको जो एक्स्ट्रा बटन्स मिलती हैं वह है मल्टी प्रोग्रामेबल बटन है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार इन्हें प्रोग्राम भी कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें इस माउस के प्राइस की, तो यह माउस आता है 399 रुपये में और अमेजोन चॉइस का बैच लेकर बैठा हुआ है क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा सेल हो रहा है। यहाँ पर आपको कस्टमाइजेबल RGB मोड मिल जाते हैं, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार इन्हें कस्टमाइज भी कर सकते हैं। RGB ऑन होने के बाद माउस में एक प्रीमियम फील आता है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा जो माउस आता है वह हमको मिला है जेब्रोनिक्स की तरफ से, मॉडल नंबर है ट्रांसफॉर्मर M। अगर बॉक्स कंटेंट में हम चेक करें तो यहाँ पर आपको एक यूज़र मैनुअल मिलता है। अगर आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे तो डायरेक्ट आप यूज़र मैनुअल को डाउनलोड कर सकते हैं। इस माउस को मैंने बहुत समय तक यूज़ भी किया है। अगर हम प्राइस की बात करें तो आज की डेट में इस माउस का जो प्राइस है वह है 349 रुपये और अमेज़ॉन पर 4.5 की एक बेहतरीन रेटिंग को लेकर बैठा हुआ है। बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर आपको बहुत ही बेहतरीन देखने मिल जाती है। टोटल यहाँ पर आपको 6 बटन्स देखने मिलती हैं। ब्राइडेड केबल है और अगर हम DPI की बात करें तो 3600 DPI है इस पर्टिकुलर माउस में। इस माउस को थोड़ा सा रोबोटिक और एलियन लुक दिया गया है जिससे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। और यहाँ पर आपको RGB 7 कलर्स मिल जाते हैं। लाइटिंग ऑन होने के बाद फिर कुछ इस तरह से आपको यह फील आता है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा जो माउस आता है वह हमको मिला है HP की तरफ से, मॉडल नंबर है M260। 3 ईयर्स की वारंटी के साथ आपको HP के माउस देखने मिलेंगे। इस माउस का जो प्राइस है वह है 460 रुपये। बॉक्स को अगर हम चेक करें तो यहाँ पर आपको मिल जाता है वारंटी कार्ड और कुछ यूजर मैनुअल्स। माउस की तरह हम नज़र डालेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरह से आपको एक बिल्कुल प्लेन फील देखने मिलेगा इस HP के माउस में। और HP के जो मोस्टली माउस हैं वहाँ पर आपको बिल्कुल प्लेन डिज़ाइन ही देखने मिलेगा। अब यह एक गेमिंग माउस है बट यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो फील है प्लेन माउस की तरह आपको देखने मिल रहा है। कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपको जो 6 बटन मिलती हैं वह प्रोग्रामेबल बटन है, आप इन्हें प्रोग्राम कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार। यहाँ पर भी आपको 6400 DPI मिल जाता है। यहाँ पर आपको ब्रीथिंग LED देखने मिलती है, तो जब यह माउस ऑन होता है तो आपको कुछ इस तरह से यह इफेक्ट दिखाई देता है। हालांकि HP अपनी माउस की डिज़ाइन को बहुत ही ज़्यादा प्लेन रखता है। नेक्स्ट हम अपने माउस की तरफ बढ़ेंगे तो यह हमको अगेन मिला है HP की तरफ से, मॉडल है M100। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया 3 साल की आपको वारंटी मिल जाती है और इस माउस का जो प्राइस है वह है 370 रुपये। यूज़र मैनुअल और वारंटी कार्ड यहाँ पर भी आपको देखने मिलते हैं। अब अगर हम इसे HP के M260 से कंपेयर करें तो यहाँ पर यह थोड़ा सा लाइट वेट माउस है और यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा कीज देखने नहीं मिलती हैं। आपको DPI की बटन मिल जाती है जिससे आप DPI को चेंज कर सकते हैं और नॉर्मल V6 आपको बटन मिलती हैं। HP के माउस को लेकर मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस यह रहा है कि बाकी कंपनियों में हमको केबल की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा सॉलिड मिलती है, बट HP की केबल की जो क्वालिटी है वह पर्सनली मुझे उतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, बट परफॉर्मेंस के मामले में HP बहुत ही ज़्यादा आगे है। RGB ऑन होने के बाद कुछ इस तरह से आपको यह माउस देखने मिलता है और यहाँ पर भी ब्रीथिंग LED है। नेक्स्ट यहाँ पर हमको जो माउस मिला है वह मिला है एबो फॉक्स की तरफ से, मॉडल नंबर है शैडो। अमेज़ॉन पर 4.5 की बेहतरीन रेटिंग को लेकर बैठा हुआ है। अगर प्राइस की बात करें तो इस माउस का जो प्राइस है वह है सिर्फ और सिर्फ 449 रुपये। बॉक्स के अंदर अगर हम चेक करें तो यहाँ पर आपको मिल जाता है वारंटी कार्ड जिससे आप 3 महीने की एक्स्ट्रा वारंटी को ले सकते हैं। और पीछे साइड यहाँ पर इनका टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सअप या कॉल पर इनसे सपोर्ट भी ले सकते हैं। माउस में पैकेजिंग तो प्रीमियम है, साथ ही साथ माउस की जो क्वालिटी है वह भी मुझे पर्सनली पसंद आई। रोबोट फील मिलता है आपको इस माउस में और बहुत ही ज़्यादा शार्प एजेस हैं। अगर आप माउस को चेक करेंगे तो कॉर्नर को बहुत ही ज़्यादा शार्प रखा गया है। 6 यहाँ पर आपको टोटल बटन्स मिल जाती हैं। यहाँ पर आपको मिल जाती है रेनबो लाइटिंग विथ ब्रीथिंग LED इफेक्ट। हाई परफॉर्मेंस गेमिंग सेंसर का यहाँ पर यूज़ किया गया है और DPI के यहाँ पर आपको 4 मोड्स दिए गए हैं।
आरजीबी के ऑन होने के बाद कुछ इस तरह से ये लुक दिखाई देता है और बहुत ज़्यादा लाइट वेट यह माउस है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा जो माउस आता है वह हमको मिला है एंटीस्पोर्ट की तरफ से, मॉडल नंबर है GM200W। देखिए इस माउस का जो प्राइस है वह है 299 रुपये। पर्सनली मैं आपको सजेस्ट इसलिए करूँगा क्योंकि इस बजट सेगमेंट में बहुत ही लिमिटेड माउस हमको देखने मिलते हैं। बॉक्स के अंदर अगर हम चेक करें तो यहाँ पर आपको यूज़र मैनुअल और वारंटी कार्ड देखने मिल जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर वर्ल्ड ऑफ व्हाट्सएप के 1000 रुपीज़ के कूपन भी देखने मिल जाते हैं, तो अगर आप चाहें तो आप इसे स्कैन कर सकते हैं। अगर हम अपने माउस पर नज़र डालें तो यहाँ पर आप देखेंगे इस बजट में एक एर्गोनॉमिक फील मिलता है आपको। यहाँ पर नॉन स्लिपी रबर का यूज़ किया गया है, ऊपर यहाँ पर आपको RGB लोगो देखने मिल जाता है, साइड में यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा कीज मिल जाती हैं और यह एक एर्गोनॉमिक डिज़ाइन है। 2400 यहाँ पर मैक्सिमम DPI है, 7 बटन्स हैं और लाइटिंग ऑन होने के बाद कुछ इस तरह से आपको यह माउस दिखाई देता है। बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट और लास्ट माउस की तरफ जो कि हमको मिला है रेड गियर की तरफ से, मॉडल नंबर है A10। देखिए इस बजट में इससे बेहतरीन माउस आपको नहीं मिलेगा। प्राइस की अगर हम बात करें तो वह है सिर्फ और सिर्फ 249 रुपये। अमेजोन चॉइस पर यह माउस है। यहाँ पर भी आप देखेंगे इसके जो एजेस हैं वह बहुत ही ज़्यादा शार्प हैं और आज की डेट में इस तरह का डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। हालांकि यहाँ पर भी आपको रबर फील देखने मिलता है और यह बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन मटेरियल है क्योंकि यहाँ पर आपका माउस से हाथ स्लिप नहीं होता है। यहाँ पर आपको ऊपर DPI का एक बटन देखने मिल जाता है, मैक्सिमम यहाँ पर आपको 2400 DPI मिलती है और यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा कीज देखने नहीं मिलती हैं। अब इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से 249 रुपये में आपको एक गेमिंग माउस मिल रहा है जहाँ पर आपको 1 साल की वारंटी मिल रही है, तो मेरे हिसाब से यह ठीक है। RGB को ऑन करने के बाद कुछ इस तरह से आपको यह लुक दिखाई देता है। फाइनली मैं अगर अपने सजेशन की बात करूँ, सारे ही माउस मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए, बट HP का M260 माउस मैं आपको सजेस्ट करूँगा, रेड गियर का A15 माउस मैं आपको सजेस्ट करूँगा और अगर आपका बजट कम है तो रेड गियर के A10 को मैं आपको सजेस्ट करूँगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको सभी माउस का लिंक दिया हुआ है, एक बार जाकर डिस्क्रिप्शन की लिंक को ज़रूर फॉलो करें। और अगर आप एंटीस्पोर्ट GM200W और रेड गियर A10 का रिव्यू देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें।